अच्छा जी सर, एक अगली चीज़ आपके पास सिलेबस में है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर। ये याद रखें, कंपनीज, गवर्नमेंट्स, इन्वेस्टर्स, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पर हों के इंस्टीट्यूशनल जो है वो लेवल पर हों, वो सब ना कोई साइन कैच करने की कोशिश करते रहते हैं इकोनॉमी में, मार्केट्स में, कि क्या होने जा रहा है। जाहिर सी बात है, आपके सारे जो बिजनेस के डिसीशंस हैं वो सिर्फ नंबर्स पे डिपेंड नहीं करते, वो आवाम के मूड पे भी डिपेंड करते हैं, मार्केट का टेम्परामेंट क्या चल रहा है उस पर भी डिपेंड करते हैं। और टेम्परामेंट एक ऐसी चीज़ है कि आप जैसे आप आम लाइफ में किसी इंसान के ऊपर गैस लगाना स्टार्ट कर दें, अंदाज़ा लगाना स्टार्ट कर दें कि अगले का मूड कैसा है। अब अगला जितना मर्जी मुस्कुरा के मिल रहा है, हो सकता है दिल के अंदर जो है वो गुस्सा भरा हो, वाइस वर्सा, ठीक है ना। तो याद रखें, इकोनॉमी का टेम्परामेंट का भी यही मसला है कि ये कंटिन्यूस बेसिस पे जज होता रहता है, और इंसान के मूड की तरह, जिस तरह लोगों को मूड स्विंग्स होते हैं, इकोनॉमी के भी मूड स्विंग्स हो सकते हैं कि किसी हफ्ते इकोनॉमी का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है और कभी बहुत लो है। तो कोशिश ही होती है सेंट्रल बैंक्स की, गवर्नमेंट्स की, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी और सर्टेनिटी जो है उसको मार्केट के अंदर दें, ताकि जो किसी भी किस्म की मूवमेंट है, अनयूजुअल किस्म की मूवमेंट, उससे बचा जा सके। ये चंद इंडिकेटर आपके बुक में जो है वो दिए हुए, याद रखें कि एमसीक्यू की फॉर्म में भी आ सकते हैं, अलग से इसके बारे में बात भी हो सकती है। और इसके हवाले से मैं एक बड़ी मज़ेदार बात आपके साथ शेयर करता हूँ, मैंने कुछ अर्से पहले आर्टिकल पढ़ा था, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ। सर, तीन तरह के इंडिकेटर उसने बताया, लीडिंग, लैगिंग, कोइंसिडेंट। अच्छा, ये बोलने के लिए तो लीडिंग इंडिकेटर हैं, लेकिन कोई भी दुनिया का इंडिकेटर लीडिंग इंडिकेटर नहीं होता। इंडिकेटर का मतलब ही यही है कि इशारा है। तो इवेंट्स पहले होना स्टार्ट हो जाते हैं और इंडिकेटर बाद में जो है वो आपके सामने आ रहा होता है। इसको आप यूँ समझें कि वो आपने मुहावरा एक सुना होगा कि अगर कहीं से धुआं उठ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आग तो जो है वो लगी होगी। तो यकीनन भाई, आग पहले लगेगी, धुआं बाद में उठेगा। तो लीडिंग इंडिकेटर आप यूँ समझ लें कि बाकियों के मुकाबले जल्दी बता देता है, ठीक है ना। सर, इसने पांच लीडिंग इंडिकेटर आपको दिए कि अगर आपके मुल्क की स्टॉक मार्केट के अंदर चेंज आ रहा है, तो याद रखिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट लिक्विड ज़्यादा होती है और इकोनॉमी की सारी बड़ी कंपनीज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है, तो इन्वेस्टर्स के पास जल्दी ज़्यादा टाइम होता है कि वो जल्दी वहाँ पे जो है वो अपना रिएक्शन शो कर दे। और क्योंकि रोज़ की बेस पे प्राइस चेंज हो रही होती है, तो वो रोज़ की बेस पे जो है ना मार्केट अपना सेंटिमेंट मूव कर रही होती है। रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना होगा, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर, कि स्टॉक मार्केट जो है वो बढ़ रही है। उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप ये बात याद रखें कि स्टॉक मार्केट अगर बढ़ रही है तो इट इज़ शोइंग कि इन्वेस्टर नया पैसा लगा रहा है। तो सोचने की बात है, इन्वेस्टर नया पैसा क्यों लगा रहा है, मे बी उसको आगे आने वाले वक्त के अंदर कोई ज़्यादा अच्छी जो है वो उम्मीद हो रही है, एंड दिस विल वर्क इन द रिवर्स पैटर्न एज वेल। सर, सिमिलरली इंडेक्स ऑफ बिजनेस कॉन्फिडेंस, सर्वेज होते रहते हैं कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर कि बिजनेसेस का, ओनर्स का, स्मॉल मीडियम साइज वाले जो बिजनेसेस हैं उनका मूड क्या चल रहा है। अगर उनका मूड अच्छा है, अगर उनमें कॉन्फिडेंस है, तो दिस इज़ अ साइन के यार दे विल मेक न्यू इन्वेस्टमेंट, दे विल मेक मोर हायरिंग्स। तो इस तरह की भी जो है ना वो सर्वे कंटिन्यूस बेसिस पे हो रहे होते हैं, गवर्नमेंट भी कर रही होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी कर रही होती हैं। सिमिलरली सर, मैन्युफैक्चरर्स न्यू ऑर्डर, मुझे याद है कि लास्ट गवर्नमेंट जो हमारे पास थी वो अक्सर ये बात बूस्ट किया करती थी। और ये भी एक साइन है कि जनाब गाड़ियों की सेल बढ़ रही है, तो गाड़ियों की सेल बढ़ने का मतलब है लोगों के पास पैसे बहुत आ रहे हैं। सिमिलरली अगर आपको पामा की वेबसाइट के ऊपर, पाकिस्तान के जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है उसकी वेबसाइट पर, अगर आपको ट्रैक्टर्स के ऑर्डर बढ़ते हुए मिलना स्टार्ट हो जाएं, तो दिस इज़ एन ऑब्वियस साइन कि भाई ट्रैक्टर रोड पर तो बैठ के नहीं चलाना ना। तो इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर के अंदर कहीं ना कहीं बूस्ट हो रहा है, नई इन्वेस्टमेंट हो रही है, इसका मतलब आने वाले वक्तों में आउटपुट बढ़ेगी। सिमिलरली अगर गाड़ियां बहुत लोग बाय कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग हो रही है। लेकिन याद रखें, हो सकता है ये लेक्चर सुनते हुए बहुत सारे लोग गुस्से में आ जाएं और वो ये बोलें कि सर क्या बात कर दी, गाड़ी तो अमीर बंदा बाय करता है। तो जी सही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जिस टाइप की गाड़ी की सेल बढ़ रही है वो उसी चीज़ का इंडिकेटर है। अगर बाइक्स की सेल बढ़ रही है, इसका मतलब आपकी लोअर मिडिल क्लास के पास ज़्यादा पैसे आ रहे हैं खर्च करने के लिए। सिमिलरली अगर 4x4 की सेल बढ़ रही है, तो आप बिल्कुल ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर जो आपके हायर इनकम ग्रुप है उसकी इनकम बढ़ रही है। इकोनॉमी में सबकी इनकम एक साथ नहीं बढ़ती है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसको फ़र्क नहीं पड़ता, इकोनॉमी ऊपर नीचे होती रहती है, उनकी सेल अपनी जगह मेंटेन होती है। सिगरेट इज़ वन एग्जाम्पल। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जब हायर इनकम ग्रुप्स की इनकम में जब इजाफा होता है तो उनकी सेल बढ़ती है, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि जब लोअर इनकम वाले जो होते हैं उनकी इनकम बढ़ती है, तो वो इस प्रोडक्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अगेन, इंटरप्रिटेशन बहुत सारी हो सकती हैं। सर अगेन, उसने एक बड़ी मजे की बात बोली, न्यू बिल्डिंग परमिट्स फॉर प्राइवेट हाउसिंग। अगर लोग कंस्ट्रक्शन के लिए परमिट ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, तो याद रखें बिल्डिंग बनने से पहले परमिट आपको इशू किया जाएगा, एटलीस्ट इन थ्योरी। अगर परमिट या एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई है, तो इस बात का इंडिकेटर है कि ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी बिजनेस के अंदर।
तो जो बड़ी सीमेंट कंपनियां होती हैं, स्टील कंपनियां होती हैं, उनका बिजनेस तो डिपेंड इस बात के ऊपर कर रहा होता है, तो ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए बहुत यूजफुल होती है। अगेन देन दी मनी सप्लाई इन द मार्केट, वो तो डिपेंड करेगा इंटरेस्ट रेट के ऊपर, जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर बात की। सर कुछ इंडिकेटर होते हैं लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर वो होते हैं जो इवेंट हो चुका है, अब उसके बाद आपके सामने ये बात आ रही है, ठीक है ना, आपके रिजल्ट की तरफ। सर सबसे पहला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अगर जाहिर सी बात है चीज़ों के रेट बढ़ जाएंगे तो अगले महीने जब नया इंडेक्स बन रहा होगा, गवर्नमेंट जब दोबारा से रेट रिकॉर्ड कर रही होगी, तो उस वक्त शुरू होगा कि जनाब पिछले महीने महंगाई 20% थी, पिछले महीने महंगाई 15% थी, तो वो पिछले महीने का मतलब इवेंट हो चुका हुआ है। अगेन अनएम्प्लॉयमेंट नंबर, पहले लोग इन्वेस्टमेंट कम करना स्टार्ट करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट नंबर जब भी गवर्नमेंट पब्लिश कर रही होती है वो पिछले महीने का होता है। इंटरेस्ट रेट, एवरेज इनकम, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये वो सारे इवेंट्स हैं जो एक तरह का सबूत है, इंडिकेटर है, लेकिन ये इवेंट होने के बाद है तो इसकी यूटिलिटी बहुत कम है। सर तीसरा इंडिकेटर आपके पास होता है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट से मुराद ये इंडिकेटर उसी वक्त सामने आता है जब वो इवेंट हो रहा होता है। इसका मतलब फॉर इंस्टेंस अगर इकोनॉमी ऊपर की तरफ जा रही है तो ये इंडिकेटर उसी वक्त शो करना आपको स्टार्ट कर देंगे। आप ये नहीं, मिसाल के तौर पर अगर नए परमिट्स इशू किए जा रहे हैं तो ये इस बात की निशानी है कि ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगी, सीमेंट बिकेगा और इकोनॉमी ओवरऑल इंक्रीज करेगी। लेकिन जैसे ही इकोनॉमी इंक्रीज कर रही होगी उसी वक्त आपकी जीडीपी बढ़ जाएगी, तो ये पहले बता देगा। और ये जाहिर सी बात है जब ये इवेंट हो रहा होगा तो जो गवर्नमेंट्स होती हैं या जो बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होती हैं वो इन इंडिकेटर्स को यूज़ करती हैं ये जज करने के लिए कि आपकी जो इकोनॉमी है वो इस वक्त अपने किस साइकिल के ऊपर जो है वो मूव कर रही है। ये तीन इंडिकेटर आपके पास। एंड बाय द वे द लास्ट वन, वो जो बात मैं आपसे कह रहा था लेक्चर के स्टार्ट में कि मैंने शेयर करनी है, बेटा इंडिकेटर कुड बी एनीथिंग। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था यूएस के अंदर कि वहाँ के जो बड़े हेज फंड्स हैं और जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक मार्केट में जस्ट टू हैव एन एज, वो एक बड़ा इंजीनियस किस्म का आइडिया जो है मार्केट में लेकर आए। उन्होंने जो प्राइवेट सैटेलाइट इमेजिनरी कंपनीज होती हैं उनसे सर्विसेज बाय करके एल्गोरिथम एम्प्लॉय करके अंदाज़ा लगाना स्टार्ट किया कि वॉलमार्ट के पार्किंग लॉट्स जो हैं उनके अंदर कितनी गाड़ियां आके पार्क हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे जिस तरह पाकिस्तान में अगर कोई कंपनी चेजअप, इम्तियाज, बिन हाशिम, जो जो बड़े बड़े सुपर स्टोर हैं पूरे पाकिस्तान में, अगर उनकी पार्किंग लॉट का डाटा कलेक्ट करके ये अंदाज़ा लगाना स्टार्ट करे कि पार्किंग ज़्यादा होती है, पार्किंग कम होती है अवेलेबल, गाड़ियाँ बहुत आ रही हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक किस्म का डाटा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का डाटा है। क्यों? बाहर के हेज फंड ने क्या किया, उन्होंने किया ये कि उन्होंने ये डाटा कलेक्ट करने के बाद ये अंदाज़ा लगाना स्टार्ट किया कि अगर गाड़ियाँ ज़्यादा आ रही हैं पिछले साल के पिछले महीने के मुकाबले, इसका मतलब लोगों ने ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं, और अगर लोगों ने ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं तो वॉलमार्ट इज़ गोइंग टू रिपोर्ट अ हायर प्रॉफिट। अब याद रखें गाड़ियों का डाटा वो रियल टाइम में कलेक्ट कर रहे थे रोज़ का, आपकी जो क्वार्टर क्लोजिंग होनी है वो 3 महीने बाद होनी है, उसके बाद ऑडिटर ने ऑडिट करना है, फिर ईपीएस आनी है, फिर आवाम को पता चलेगा मार्केट के अंदर जो है वॉलमार्ट ने कितना प्रॉफिट दिया। लेकिन उन हेज फंड्स को ये बात रोज़मर्रा की बेस पर मालूम होगी। सो अगेन आप किसी भी चीज़ को इकोनॉमिक इंडिकेटर बना सकते हैं, यू जस्ट नीड टू नो कि आपको बेसिकली क्या चाहिए।